नमस्कार, बहुत स्वागत आपका 30 मिनट 50 जिले में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पर दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद ही अहम खबर है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी, खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। यहां तक कि विदेशी नागरिकों को यह बताया जा रहा है कि ढाल बना सकते हैं आतंकी, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है। त्यौहार को लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता दीपक बिष्ट जुड़ चुके हैं। दीपक, सूत्रों के हवाले से दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त त्योहारों का सीजन है और अगले एक से डेढ़ महीने का जो समय रहता है वो काफी क्रुशल रहता है और सभी को इसलिए अलर्ट रखा गया है दिल्ली में, क्योंकि इस वक्त कई तरह की गतिविधियां चल रही है। विदेशी स्तर पर इस तरह के हालात हैं, उसको देखते हुए ये कंडीशन हो सकती है और इसलिए दिल्ली पुलिस को यह एजेंसियों ने जारी किया है कि जो आतंकी हैं वो किसी भी तरह से हमले को अंजाम दे सकते हैं, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हों या फिर विदेशी नागरिकों को ढाल बनाया जा सकता है, विदेशी दूतावासों को यहां पर शामिल हो सकते हैं आतंकियों की साजिश में। इसलिए सब जगह पर अलर्ट को तेज करने के अलावा सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश यहां पर दिए गए हैं, निगरानी रखने के लिए, लगातार पेट्रोलिंग करने के लिए, और इस बार खासतौर से प्रॉपर्टी डीलर्स, कार डीलर के दफ्तरों और गैरेज पर भी चेकिंग के आदेश ज्यादा तेज किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जिस तरह से आतंकी जो है किसी भी जगह को अपना हथियार बना सकते हैं और इसी वजह से इस बार जो है अलर्ट काफी दिया गया है। और ये सूत्रों को कहां से जानकारी मिली कि आतंकी अलर्ट है? बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, इस बीच आपको सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल विवादित बयान देते हुए नितिन ने बताया कि 100 लोगों को मारकर बना हूं प्रधान। ये बड़ा बयान और विवादित बयान है नितिन बंसल का। अग्रवाल समाज के कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया गया है। किसी वाक्य पर बोले कि 100 को मारकर बना हूं प्रधान। बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों में बयान से इस बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। महीने पहले की बात, सीएमओ बैठा था तो वहां पे कोई आरएस ऑफिसर अग्रवाल था, किसी मंत्री जी के पीए लगे रहते हैं। मैंने लेजेंडर घिजा जी, मैंने भाई साहब ये काम है, मेरा करना है। बोले साहब आप, मैंने साहब मैं नितिन बंसल प्रधान हूँ पिंडवाड़ा का। वो जैसे उसने अग्रवाल सोचा ऊपर देखने लगा मेरे को, बोले भाई साहब प्रधान हो? मैंने कहा हाँ। बोले अग्रवाल प्रधान कैसे बन गए? मैंने 100 को मार के बनाओ भाई। मैंने ऐसे नहीं बना, 100 को मार के अग्रवाल प्रधान बनाए। तो मैं सचिवालय गया था कि एक महीने पहले की बात है, सीएमओ बैठा था तो वहां पे कोई आरएस ऑफिसर अग्रवाल था, किसी मंत्री जी के पीए लगे रहते हैं। मैंने लेजेंडर घिजा जी, मैंने भाई साहब ये काम है, मेरा करना है। बोले साहब आप, मैंने साहब मैं नितिन बंसल प्रधान हूँ पिंडवाड़ा का। वो जैसे उसने अग्रवाल सोचा ऊपर देखने लगा मेरे को, बोले भाई साहब प्रधान हो? मैंने कहा हाँ। बोले अग्रवाल प्रधान कैसे बन गए? मैंने 100 को मार के बनाओ भाई। मैंने ऐसा नहीं बना, 100 को मार के अग्रवाल प्रधान बनाए। और चलिए, इस खबर पर प्रतीक सोलंकी संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये जो नितिन बंसल का बयान आया है, ये किस परिवेश में है, इसका क्या मतलब है, असर क्या हुआ इसका? प्रतीक जी, बिल्कुल, देखा जाए तो ये बयान जो एक सम्मेलन में जो है नितिन बंसल संबोधित कर रहे थे, उस संबोधन में जो ये बयान दिया है और इस बयान के बाद में बड़ी खलबली मची हुई है। अब यहाँ की जनता जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और जनता लगातार नितिन बंसल को फोन करके जवाब पूछ रही है कि किन किन लोगों को मारकर जो है आप जो है नेता बने हैं। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता है जो इस बयान के बाद में नाराजगी जो है साफ तौर से जो है सामने आ रही है। देखने वाली बात यह है कि पूरा मामला जो है एक सम्मेलन का था, सम्मेलन में नितिन बंसल अपने आप को बड़ा बताने के लिए ये उत्पटांग बयान देकर जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बयान के बाद में राजनीतिक प्लेयर भी जो है कई प्रकार के जो सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति होती है लेकिन किसी ना किसी रूप में अगर इस उठ पटांग जो बयान अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ जो है साफ तौर से इसमें देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।